चुन्नीलाल जी, यानी कि हाथ जोड़ के बुला रहा हूँ। राम राम। कहिए कहिए, क्या मतलब बड़ा दुखा बोल रहे हो? लगता है कि पिछली बार की शतरंज की हार अभी तक भूले नहीं हो, दिल पे बात को लगा के बैठ गए हो आपकी बला से। सुनिए, पहले ये हमारे लिए आते थे, आज ये तुम्हारी दूसरी वाली के लिए आए हैं, संभल के रहना। तो बताया नहीं कैसे आना हुआ? हमारा इतना बताना क्या है, है? हमने सुना आपने शादी कर ली और हमें बुलाया तक नहीं। बुलाया तो हमने अपने दोस्तों को भी नहीं। हमारा तो दुश्मन समझ के ही बुला लिया होता आपकी बला से। तुम पहले ये बताओ, जब तुम अकेले थे तब तुमसे कोई व्यवहार निभाने आया था? नहीं ना। आज से पहले तो व्यवहार रखा नहीं तुमने, जब तुम्हारा तलाक हुआ तो बुलाया था हमको। अरे भाई, काहे को गड़े उर्दू उखाड़ रहे हो, छोड़ो इन बातों को। अच्छा ये बताओ कि भाभी जी कहाँ है? नई वाली अंदर है। तो बुलाओ ना। नहीं बुलाते, तबीयत खराब है। झूठ क्यों बोलते हो जी, सीधा कह दो ना इससे, नहीं बुलवाना मुझे अपनी बीवी से, अब भगाओ उसको यहाँ से। क्या हुआ, डॉक्टर को बुलाए क्या? आप रहने दे, मैं अच्छी तरह से जानता हूँ क्या करना, मेरी बीवी है। अरे भैया, तो हमने कब कहा है को हमारी बीवी है? क्या भाई, ये मोबाइल का कवर बड़ा खूबसूरत है, भाभी जी का है? देखो यार, इस उम्र में ये करते अच्छा लगता है। बहुत अच्छे, कि आप इस उम्र में जो मन आए वो करें, और हम कुछ कर भी नहीं सकते। वैसे एक बात है, जब मोबाइल इतना सुंदर है तो भाभी जी कितनी सुंदर होंगी। रखो यार, तुम्हें कलाई क्या पकड़ा दी, तुम तो पूरा हाथ पकड़ने लगे। गलत गलत गलत, हम यूपी वाले हैं, कलाई भी अपने हाथ से पकड़ते हैं और हाथ भी अपने हाथ से पकड़ते हैं, मालूम? देखो जी, ये आदमी हमको बिल्कुल सही नहीं लग रहा, जितना जल्दी हो सके ना इसको भगाओ यहाँ से। क्या बात है सुन्नीलाल जी, डायलॉग को दिल पे ले लिया या हार का असर है, है? जो हमसे नजर नहीं मिला पा रहे। अरे मैं किसी से डरता नहीं हूँ, क्या मैंने किसी से उधार ले रखा है जो मैं नजर न मिलाऊं? वाह, उधार नहीं ले रखा, अभी पिछली बार की शतरंज की हार के 2000 रुपए बाकी है, आप हमको बचत दे दीजिए, हम चले जाएंगे। अच्छा जी, तो तुम अब सट्टेबाजी भी करने लगे? हाँ। अरे यार शर्मा जी, अभी नई नई शादी हुई है, खर्चा बहुत हो गया है, अगले हफ्ते ले लेना। अब सुन्नीलाल जी क्या बताऊं हम आपको, हमें भी कल अपने पोते की स्कूल फीस जमा करनी है, इसीलिए पैसे की जरूरत थी, तो हमने सोचा कि आपसे मिल जाएगा। यार तुम अपने घर का खर्चा सट्टेबाजी से चलाते हो क्या? क्या करें यार, नोटबंदी के दर्द से अभी तक निकल नहीं पाए। ये प्रॉब्लम तो हमारी भी है। देखो ऐसा है कि बातों में न घुमाओ, पैसे दीजिए और अपनी बीवी से मिलवाइए। और दोनों ना कराए तो फिर आप जानते हैं ना, वो 403 वाले जो SP साहब हैं, उनसे हमारी बड़ी अच्छी जान पहचान है। धमकी दे रहे? हाँ दे रहे। नहीं लेते? यार चुन्नी लाल, तुम कितने बेशरम आदमी हो। तो क्या 2000 रुपए तुम्हें फ्री दे दे? भाई देखो ऐसा है कि पैसा तो तुमको देना ही पड़ेगा, चलो हिसाब बराबर कर लेते हैं। कैसे? भाई ऐसा करते हैं कि 2000 की एक बाजी और खेल लेते हैं। और फिर हार गए तो? अरे भैया हार गए तो 4000 रुपए दे देना और अपनी बीवी। बेशरमाजी। देखा, मैं ना कहती थी किसकी तुम्हारी बीवी पे नजर है। हमें नहीं मालूम था तुम इतने बड़े बेशरम आदमी। अरे भैया चुन्नीलाल जी, हमने ऐसा क्या कह दिया, आप तो ऐसे भड़क रहे जैसे किसी साँप को लाल कपड़ा दिखा दिया गया हो। अरे भैया पहले पूरी बात तो सुनो तब बोलो। हम ये कह रहे थे कि अपनी बीवी से मिलवा देना। तो 4000 छोड़ दोगे? मेरे वो तो आप अगले हफ्ते देंगे ही। तो इससे अपनी बीवी से मिलवाने से क्या फायदा? Let's go play. आओ करते हैं क्या? ये क्या? देखिए पिछली बार हम जीते थे, इसलिए सफेद मुहूर्त हमारे ही होंगे। ये लीजिए, हमने चली पहली चाल। ये हमारी चाल। क्या बात है सुन्नीलाल जी,
रानी को बाहर नहीं निकालेंगे क्या? ऐसा है, ज्यादा बतियाओ नहीं, खिलजी न बनो, चुपचाप खेलो। बस सुनील लाल जी, एक बात है कि रानी की एक झलक भर भी मिल जाती तो मजा आ जाता। चुचू, कौन आया है? चुचू? चुचू आप हैं? तुम यहाँ क्यों चली आई? तुम्हारी तो तबीयत नहीं ठीक है, चलो अंदर। What तबीयत? And why are you winking? कौन है? आपकी सहेली है क्या? जी नहीं, यही घर वाली है। अच्छा, इन्हीं से आप हमको नहीं मिलवा रहे थे? भाभी जी, भाभी जी, मैं हूँ आपका नन्हा सा प्यारा सा छोटा सा पड़ोसी देवर झिंगा लाल शर्मा। अब कुछ नहीं करोगे तुम? दूर से, दूर से, दूर से। झिंगा? नहीं 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 नहीं, झिंगा नहीं, झिंगा लाल शर्मा। I will call it Juju. अब बोलो मिस्टर Juju। ये अच्छा है। मैं Juju, तुम Juju। 1722। सुनो, ये Juju Juju क्या लगा रखा है? पहले तो इसे देखो, इतने कम कपड़े तो मैं भी आपके सामने कभी पहन के नहीं आई हूँ, और ये पराए मर्द के सामने पहन के आ गई। सुनो, अंदर जाओ, कपड़े ठीक से पहन के आओ। क्यों, इन कपड़ों में क्या प्रॉब्लम है? नहीं नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, पर कितनी तो अच्छी लग रही है। थैंक यू सो मच। हाँ, इसे तो अच्छी लगेगी ना? हाँ हाँ, आपको तो अच्छी लगेगी। What do you mean by? क्या मैं सुंदर नहीं दिखती हूँ? अरे भाभी जी, एक हीरे की परख तो जौहरी कर सकता है, ये सब इन कबाड़ियों के बस की बात नहीं है। अच्छा शर्मा, कबाड़ी में कानपुर में था, बीच में मतलब धंधे के बाद, यहाँ मैं कबाड़ी नहीं हूँ। अरे भाई, कभी न कभी थे तो सही, आते कहाँ जाती? चतुर्वेदी जी, शर्मा जी बता दे, मेरी बीवी के सामने अपने पैजामे में रही है। अरे तुम्हारा हस्बैंड पागल हो गया डार्लिंग। तुम मेरी बीवी को हमारे सामने डार्लिंग कैसे कह सकते हो? अरे चुन्नीलाल जी, इतनी सी बात पर क्यों फुदकते हो? मैं तो पड़ोस वाले मिश्रा जी की वाइफ को भी डार्लिंग कहता हूँ, बल्कि डार्लिंग क्या कहता हूँ, उनके साथ तो हम डेट पर भी जाते हैं, मगर मिश्रा जी तो कुछ नहीं कहते। पर जब तुम ये सब करते तो सर मिश्रा जी होते कहाँ है वहां पर? अरे वही तो मैं भी कह रहा हूँ, चुन्नीलाल उर्फ चूचू की इसमें इतना गर्म होने की क्या बात है? ये क्या तरीका है? तू चुप रह, मैं पहले ही बहुत परेशान हूँ। तू चुन्नीलाल जी, क्या कह रहे हैं आप? नहीं, हमारे और आपकी दोस्ती में आज तक आपसे तुम नहीं हुआ, और आज एकदम तू। जा साले बड़ा आया। अरे चुन्नीलाल जी, मैं कह रहा हूं कि आप अपनी मर्यादा के अंदर रखिए, अगर मैंने अपना मुंह खोल दिया तो समझ लीजिए आप। मैं भी तो देखूं मैंने आस्तीन में कितने सांपा रखे हैं। चुन्नीलाल जी, चुन्नीलाल जी, आप मर्यादा को भंग कर रहे हैं, आप सीमा को पार कर रहे हैं। अगर मैंने अपना मुंह खोल दिया ना, मैंने अपना मुंह खोल दिया ना, तो आप समझ लीजिएगा कि आपकी ये शादी टूट जाएगी, और हमारी प्यारी सी भाभी जी किसी कड़क नौजवान की तलाश में निकल पड़ेगी। तो क्या बोलेगा? तो ये बोलेगा ना कि मैं गुप्ता जी की बीबी के साथ पकड़ा गया था, या मैं होटल में लड़कियां बुलाता था, या मैं उसकी वाइफ के साथ जाता था, क्या बोलेगा तू? क्या सुन रही हूं मैं? बोलती क्यों नहीं? मैं जब से मरी हूं तब से तुम रंगलेलियां मनाते रहे, और मैं पागल ये सोचती रही कि तुम जिंदगी में अकेले हो। स्वर्ग से मैं तुम्हारी शादी कराने के लिए आ गई, और ये बेचारी
ये बेचारी ने तो तुम्हारे लिए अपनी मोहब्बत कुर्बान कर दी, बोलती क्यों नहीं? ठीक है, मुझे भी तुम जैसे आदमी से बात करने का कोई शौक नहीं है। मैं तो तुम्हारी मरी हुई बीवी हूं ना, मुझे जवाब नहीं देना मत दो। पर ये तो तुम्हारी नई नवेली दुल्हन है, इससे कैसे निपटोगे? चुचू चुचू रिलैक्स, एवरीबडी हैज अ पास्ट एंड यू नो व्हाट, यू नो ईच एंड एवरीथिंग अबाउट माय बॉयफ्रेंड, राइट? जब आपको मेरे पास्ट से कोई प्रॉब्लम नहीं है तो फिर मुझे क्यों होगी? कोई प्रॉब्लम नहीं तुमको डार्लिंग। नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लव यू चुचू। चुन्नी लाल की बीबी मर गई बना के इनको अपा, छुटकारा पाके बाटा इनने मिठाई का डब्बा। अरे चुन्नी लाल की बीबी मर गई बना के इनको अपा, छुटकारा पाके बाटा इनने मिठाई का डब्बा। फिर बेटा हुआ विदेशी छाई, जिंदगी में तन्हाई, घर को बसाने फिर से बीवी भूत बन के आई।